मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। रीवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेंद्र शुक्ला को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इसके बाद से उनके समर्थक खासे उत्साहित हैं। समर्थक मानते हैं कि राजेंद्र शुक्ला को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद विंध्य क्षेत्र के वोटर खुश होंगे। आगामी चुनाव में पार्टी को ही फायदा इसका मिलेगा। मध्य प्रदेश में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लगभग डेढ़ महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, जिनमें से रीवा के जो पूर्व मंत्री और वर्तमान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। यहां पे उनके समर्थक हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल है और कितना इनके अंदर उत्साह है और क्या इनका मानना है, क्या लग रहा है, लंबे समय बाद यह इंतजार खत्म हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, किस तरह का माहौल है, कितनी खुशी है आप लोगों को? सबसे बड़ी बात तो है, कार्यकर्ताओं में तो हमेशा खुशी होती ही है अगर किसी नेता को स्थान मिलता है मंत्रिमंडल में, पर सबसे ज्यादा खुशी विंध्य के अंचल के निवासियों को है। वो सब बहुत दिनों से आशान्वित थे और आदरणीय शुक्ला जी को जिस तरह से मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है उससे पूरा विंध्य का जनमानस बहुत प्रसन्न है, उत्साहित है। ये लगभग चुनाव के पहले जो इस तरह का विस्तार किया गया मंत्रिमंडल का, डेढ़ महीने चुनाव को बचे हैं, तो क्या लगता है कि यह जो डिसीजन पार्टी द्वारा लिया गया है तो इसका फायदा पार्टी को मिलेगा, वोटर्स का, या नहीं मिलेगा? पूर्ण रूप से मिलेगा, बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया है और इसका फायदा पूरे विंध्य को मिलेगा। राजेंद्र शुक्ला के पांचवी बार मंत्री बनने के बाद यहाँ पे जो उनके समर्थक है उनके अंदर काफी ज्यादा उत्साह है और यह काफी खुश है। इनका काफी लंबा अंतराल रहा, लंबा समय रहा जो कि इंतजार करना पड़ा, शुरू से जब से सरकार बनी दोबारा गिरने के बाद तब से इनको यह इंतजार था कि मंत्रिमंडल में जगह इनको दी जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाई थी और अब एक लंबा समय बीत जाने के बाद इनको जगह मिली है और यहाँ के जो समर्थक हैं इनके यह काफी ज्यादा उत्साहित है। राजीव पांडे, IBC 24, रीवा।